हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाउज़िहि सआउत व फी कुल सआत वलियं व हाफिज़ं व क़ाइदं व नासिरं व दलीलं व इना बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो सलामा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। काफी तशरीफ फरमा हो। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो सलामा दुआए करीम अल्लाह तुअस मुकद्दस मकाम ते टोराया मंजूर ते मैं हकीकत ड्यूटी तमाम पढ़ल दी पढ़ाई जनाबे सैयद अकोनैन अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल इस पाक मिशन च जय जय जिस जिस तरीके नाल हिस्सा पाया जनाबे सैयद अकोनैन अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल मालिक हाजिर या गैर हाजिर जिस मकाम ते मोमिन बीमार है मालिक बीमारे करबला दी बीमारी दे वास्ते सेहत कुली अता मालिक बिलखसूस चौधरी निजाम दीन जट से बीमार हैं जिमें दुआ लगी मालिक को सेहत कुली अता बेफिया हुसैन मगसी दी वालदा साहिबा बीमार हैं मालिक सेहत कुली अता और भी जिन्ना मोमिनीन मेरे जिम्मे दुआई देने जिस जिस मकाम ते मोमिन बीमार हैं सेहत कुली अता फरमा मालिक शैन दी खाली झोली दा वास्ते जिहड़े बे औलादन मातमी अता फरमा मालिक जिन्हां को दित्ते नी नेक नमाजी बना असा सारे को हज बैतुल्ला ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सब तो पहली और आखिरी वड्डी दुआ है कि साडे बारे में आका दा जल्द तमाम दुआवां दी कबूलियत वास्ते बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ो सलाहुमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे हैदरी दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी जनाबे सैयदा कुनैन बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो चला हुमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद कोई जाखरी दावा नहीं बासियत बानी बासियत तालिब इल्म फकत चंद मिनट दी हाजरी मेरा घर मेरा वतन मैं तो बात तद्दे दे वारिस सैयद बादशाह दुनिया दा मसीह दा बहुत बड़ा नाम बाबा की मासे मेंबर तो मौजूद हैं उन्ना दी मौजूदगी दे विच सबक सुनावणा है बेशक थोड़े बैठे हो तो सुच्चे बैठे हो चूंकि पढ़ना मैं पहले हा सैयद बादशाह लाहौर तो सारे मेहमान हैं मैं उनको वक्त दिते चाह चूंकि अच्छा मेजबान वो होंदे जेड़ा मेजबान दिखदा बाकी मैं कोई रोक ना सकता मैं जिस टाइम पढ़ा लेकिन सैयद है आलम दीन है तो मेरा हक बनता हा जो उनकी मैं इज्जत मौला दे बेहतरीन बता मैं तो बार हाजरी देसन उन्नत में इजाजत है कि सैयद बश मौला दे शोहे मदा अच्छे इंसान मौला जबान कलाम में मजीद तशरीह अता मौला सफर पे खतर फरमावे तुसा तकरीबन हर बंदा ई वक्त सोशल मीडिया दे नाल मुनसलिक है हर बंदा ए बात मैं सिर्फ शिया वास्ते नहीं कर रहा शिया सुनी दुहां वास्ते किबला कर रहा एक मुफ्ती साहब है मौलाना तारिक मसूद साहब वो कुछ दिवारों पहले सोशल मीडिया ते एक बकवास की थी चुके मुस्तफा दी आमद दा महीना ते मैं एक जुमला और मेरी जिम्मेदारी भी है मनसब से खड़ा मेरा अगर मैं वकालत न कर सकता फिर कौन कर सी
ਕਿਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਉਮੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ਹਿਰ ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹੇ ਤੌਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਲਮ ਭੌਂਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਆ ਫਰਮਾਇਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੁਆ ਫਰਮਾਇਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾ ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਹਾ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਹਿਲ ਮੌਲਵੀ ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾ ਵਲ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਖਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਲਮ ਦਵਾਦ ਦੇ ਵਲ ਤੁਸਾਂ ਕਲਮ ਦਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਲਮ ਦਵਾਦ ਮੰਗੀ ਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿਬਲਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਇਲਮ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੈ ਭੌਂਕਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਫੜਦੇ ਪਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਤਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਤਲ ਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਆਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਯਾਤ ਹਨ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਕ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਹੁਤਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਜੇ ਤੋਹੀ ਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀਤੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਕੋ ਮਾਰ ਵਰਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਗਵਾਦਾ ਬੈਠੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਤੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਰੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ
गुस्ताखी क्या मुस्तफा दी शान कोई बंदा गुस्ताखी करे करना सोचे सही वो काफिर है क्योंकि अल्लाह ने इन्हां दी मुहब्बत दा हुक्म दिता है मनन दा हुक्म दिता है सोचण दा हुक्म नहीं दिता। ये मैसेज मेरा थोड़े तक पहुंच गया कि ऐसे मौलवियां दा जिहड़े बंदे कम अज कम फेसबुक नेट चले ने वो बाइकाट करे ठीक है ना। ये बंदे आते यार मैं जो पोस्ट करा भाई मिट्टू भाई मेरे को एक पोस्ट नाल क्या थी सी तेरा जेड़ा सोशल मीडिया ने मोबाइल बड़ी ताकत है ये तेरे दुनिया ते कुड़ी थी बैठी हर बंदा ते कुड़ी दा बैठे तू मुस्तफा दी वकालत कर अगर कुछ न बन सी ना तेरी पोस्ट नाल तेरी फेसबुक ते लिखण नाल मुस्तफा दे हक च कम अज कम तेरा अपना नफ्स तो मुतमिन हो सी ना कि मैं अपने नबी दी उम्मत होवण दा सबूत दिता है। जनाबे इब्राहिम जो भाई छटा गया ते हुदहुद पक्षी भाद शिद्दत इतनी आई शहब किताब लिखे तफसीरां पढ़ के देखो जमीन तो आसमान दे दरमियान भाद शोले हन हुदहुद पक्षी चुंजज पानी पा के ते भाले पासे परवाज शुरू की थी सामने परिंदे बिले नुआ के छोटा जेड़ा पक्षी है तेरी इतनी जाने इतनी बड़ी आगे तू तेरा पानी दा कतरा क्या करे सी उआ के अकल दा इलाज कर मैं को पता है ई पानी दे नाल आग बुझनी कोनी लेकिन रोजे माशर मैं अल्लाह को ए ता दस संगा ना मैं इब्राहिम अला हां नमरूद अला ना हां सुभान 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 मैं इब्राहिम ही हां नमरूद अले पासु कहना तो सही पोस्ट करो कितनी पोस्ट करो सारे तस्वीरें ले ले फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने नबी दे शान गुस्ताखी बर्दाश्त ना करो। अगर जेड़ा बंदा जिंदा जमीर है ना वो बंदे को चाहिए अपने नबी दी नमूस दी हिफाजत करे लेकिन पुर अमन तरीके दे ना इन्हें कह को मार दो कर ना ना पुर अमन तरीके दे ना क्योंकि कानून मौजूद है अदालत मौजूद है इदारे मौजूद है हर बंदा अपनी कार्रवाई करे जेड़ा बंदा अगर तोहीने रिसालत कर रही है उनके खिलाफ कंप्लेन कराओ इदारे को इतला दो इदारे अपने गिरफ्तार करें मुस्तफा के खिलाफ ये बंदा बकवास करे नियाज मौला मैं फिर हाथ बदी करा ये तारिक मसूद मौलवी मलोन के खिलाफ हर बंदा आवाज उठावे ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है ये कमीने को गिरफ्तार करे वक्त हुकूमत को सारी अपील है कि ये बंदे को गिरफ्तार करके कटहरे दे जला के एको कानूनन सजा दी थी वे चूंकि यूट्यूब पे बह के पैसे कमाना एको नहीं पता मैं क्या करिया कितनी दुनिया है मुस्लिम हर दिल मुस्तफा दी जगह है इज्जत एहतराम है कितने लोगों का दिल ठेस होते तुसी सोशल मीडिया नहीं वेदे दे कोशिश करो मुस्तफा दी नमोस दी रिसालत दी तहफज करो थोड़े ते जिम्मेदारी है चुके हसनैन दा नाना है सैयद आदा बाप है थोड़ा मुस्तफा नबी है जंदा तुसा कलमा पढ़ते अगर कलमा तुसा नहीं वे पढ़ते तुसा मुसलमान ही नहीं वे अगर कलमा पढ़ते फिर अपने आका दी इज्जत दी मुहाफजत तेरे ते वाजिब है हे ना बाबा सैयद बादशाह तैयद हो के सारे दे दोगे एक जुमला फजीलत दा मिंबर किबलों दे हवाले मैदान है खंदक नबी बैठे खेमे दे विच नबी दा किबला दुश्मन है खुला दुश्मन है उमर इब्न अब्दुवद ए मदीने चू जंग दी खातिर नबी दे खेमे दे बारू आए साहिब किताब लिखे एक घोड़े तो उतरे ई घोड़ा बंधे घोड़ा बन के नबी दे खेमे दे दरवाजे ते उते आए ई हक्कल मार के कोई हे जेड़ा मेरा मुकाबला करे कोई हे जेड़ा मेरा मैं पढ़ना कुछ हो रही चुके मेरा मैसेज है जो मेरे रिलेटेड गल आ गई है मैं मेंबर के ब्लॉन्ड हवाले कोई हे जेड़ा मेरा मुकाबला करे शाजी साहिब किताब लिखे कोई नहीं उठा सिवाय अली दे अल्लाह अकबर अल्लाह कोई नहीं उठा मेहरबानी से हैदरी कोई नहीं उठा सिवाय अली दे मुस्तफा फरमाए या अली तुसी बह जाओ मैं फिर आखरियां
मन ले हाजल कल थवाडे च कोई हे जेड़े इस कुत्ते दा मुंह बंद करे कोई नहीं उठा सिवाय अली दे। साहिब किताब लिखा खेमे दे अंदर बड़े बड़े जंगजू बैठे हन, बड़े बड़े स्पीडर बैठे हन, स्पीड इतनी हा जो दर भज्जे ना घोड़े पीछा रह वेंदे हन, ए घंटा पवेंदे हन। मुस्तफा त्रै दफा फरमाए मन ले हाजल कल्ब थवाडे च हे जेड़े इस कुत्ते दा मुंह बंद करे कोई नहीं उठा सिवाय अली दे, कोई नहीं उठा सिवाय अली दे। मैं पहले आके तो एक दो चार नहीं लखा दा मजमा समझ के मेरा अकीदा इथा मलाइक भी मौजूद हैं, मलाइक भी मौजूद हैं, ला शरीक भी मौजूद है इस इबादत मिंबर हुसैन की कसम है। वाके मन ले हाजल कल्ब कोई है जेड़ा कुत्ते दा मुंह बंद करे कोई नहीं उठा सिवाय अली दे। मुस्तफा फरमाए या अली थवाथू इलावा कोई है कोई नहीं उठा सिवाय अली दा। रज्जब अल कुर्सी ते शियत शियत कौम दा बहुत बड़ा नाम उ अपने किताब में सत्रां लिखे हैं, उ सत्रां दा वजन इतने मिट्टू भाई जी मिंबर है हुसैन की कसम है एक पलड़े दे विच उ सत्रां रखे वजन बे पलड़े कैनात रखे वजे उ कैनात दा वजन कम है सत्रां दा वजन ज्यादा है। साहिब किताब लिखे मुस्तफा को त्रै दफा मुस्तफा फरमाए मन ले हाजल कल्ब, मन ले हाजल कल्ब कोई है जे कुत्ते दा मुंह बंद करे कोई नहीं उठा सिवाय अली दे, कोई नहीं उठा सिवाय अली दे। आलम दीन के इंसाफ तू आप करे जेड़े बंदे कुत्ते दा मुकाबला नहीं कर सकते अली दा मुकाबला किवें करे से ना। शाबाश यार शाबाश यार शाबाश यार मिलके भी हाथ ऊंचे है दरी इज्जत भी बड़ी थी मुसीबत भी बड़ी थी ज्यादा दूर नहीं करनी मिंबर के बुलाने हवाले लखा दरिया है मन इल्म दे ओ तक राजी नहीं वेंदी जड़ी बकिया छोड़ के आई बैठी। मिंबर हुसैन की कसम खुश नसीब यो बंदा जेड़ा पर्देदारा को नाल लाके हसनैन दी अम्मा को मुकान दे वणा दे। लाटा लियो तुसा ता आ जाए हो ना कामकार करके आज बार का चाहियो ना 10000 तो बात मिंबर हुसैन की कसम है अलमैंद दरमियान खड़ा रहो तो किया मामा ते धियां या बैठी हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा रहो तो किया मामा ते धियां या हसरत ई है कोई आवे हा छा को मुकान देवे हा सा मुकान झल के डरो नवा। मैं बिस्मिल्लाह करा हाय कर के रुना कर हाय कर के रोना आलिया दी सुन्नत है मसैब खान बैठे मसैब ठोक रज के सुनवे सिन मिंबर गवाह है थोड़ा आंसू अज रुखसारा तो तल्ले नहीं आंदा रुखे पास दा रुमाल तलवा वेंदे पूछा गया मां हुसैन दी ए जेड़े आंसू जमा करें दे इना को क्या करें दे तड़फे है मां हुसैन दी रो के दे थवा को इना आंसू दी कीमत दा क्या पता बीबी दशा इना आंसू को क्या करें दे ना तवज्जो मेरे लपन तड़फ क्या दे जेड़े मोमिन अजादार दे आंसू है ना मेरे हुसैन दे जख्म दा इलाज बणदा है। मैं बिस्मिल्लाह करा मेरे हुसैन दे जख्म दा इलाज बणदा है। मिंबर गवाह है जुम्मे दा रोजा अली घर दाखिल थैन मेरे शैन जख्मी पहलू दे नाल एक हाथ रखे दीवार दे उते एक हाथ रखे जख्मी पहलू ते सहारे दे नाल उठिए आदि या अली मैं काफी दीवारा तू एक गल पूछना चाहती हमें लेकिन तुम्हारे एहतराम की वजह तो ना पूछ सकती है या अली ये सच्चे के मदीने दे लोग तेरे ते सलाम नहीं करेंगे। मैं बिस्मिल्लाह करा सोनी है चकी थी मदीने दे लोग तेरे ते सलाम नहीं जेड़ा बंदा गैरतमंद है जरूर करे तड़फे अली भाव जो फातिह है बरहाई रोंदा रोंदा जमीन ते बह गए आदि मां हुसैन दी ए सच्चे के मदीने दे लोग मैं ते सलाम नहीं करेंगे तड़प के आदि इस तू वडी गुरबत सुन मैं सलाम करेंदा लोग जवाब नहीं देंदे। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा मैं सलाम करेंदा लोग जवाब नहीं देंदे। मैं बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दे सामने बैठी है अली जानो दे बार सामने बैठे न अखा ना है सावण दा बदल हा मिंबर हुसैन दी कसम में वांधे आंसू
ماں حسین دی اپنے ہتھاں تے ملنا شروع کیتے ن تڑپے علی ماں حسین دی ان آنسو کو کیا کریندی اے تڑپے ماں حسین دی حسنین دا بابا میں کو حسنین دے نانے دا فرمان یاد اے میں کو بابیوں نے دس کے ہن جڑے مظلوم دے آنسو ہوندے نا او زخماں دا علاج بڑھدے ن یا علی اللہ دی کائنات دید بھوا ای ٹائم تے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں میں تو وڈی زخمی کوئی نہیں او یا علی منی پسلیاں ترٹ گئی یا علی میں شاہ نہیں گھر